विकसित भारत, एकता और एकजुटता विषय पर विद्यार्थियों ने अपनी बात रखी तो सभी ने माना कि इन विद्यार्थियों में विलक्षण प्रतिभा विद्यमान है। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद अतिथियों, शिक्षकों ने तालियां बजाकर विद्यार्थियों की हौसला अफजाई की। मौका था जनपदीय युवा संवाद इंडिया 2047 का। शहर के सेग्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में उद्घाटन सत्र का शुभारंभ मुख्य अतिथि सीतापुर से भाजपा सांसद राजेश वर्मा ने किया। मुख्य अतिथि ने इस मौके पर अपने विचार रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बने और यह जिम्मेदारी भारत के युवाओं की है। सांसद राजेश वर्मा ने कॉलेज को एक स्मार्ट क्लास की सौगात दी। सांसद राजेश वर्मा ने कॉलेज के विद्यार्थियों को दिल्ली पार्लियामेंट की विजिट कराने का भी आश्वासन दिया। बता दें कि सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में अभी तक 9 स्मार्ट क्लास से सांसद द्वारा घोषणा किए जाने के बाद अब 10 स्मार्ट क्लास हो जाएंगे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित युवा संवाद इंडिया कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर सिंगौर ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब सभी युवा अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि का उपयोग कर देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने कहा, हमारा देश आपसे है और आप भविष्य हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि उस भविष्य को आप अपनी तरह से पिरोने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब आप सभी युवा अपनी शक्ति का, अपनी बुद्धि का उपयोग कर और उस देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। निसंदेह भारत निरंतर ऊंचाइयों को छू रहा है और हम देख रहे हैं कि यहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आगे चलकर उम्मीद अभी से लगाए बैठे हैं कि हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनेगा। अगर हम तय कर ले तो कोई भी मंजिल ऐसी नहीं है जिसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और उस मंजिल को आपको ही पाना है, क्योंकि आप ही देश का भविष्य है। आज कई क्षेत्रों में देखते होंगे कि भारत विश्व में डंका बजा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे देश में नहीं होती थी, आज हम उन क्षेत्रों में कमाल कर रहे हैं, और ये सब कुछ संभव हो रहा है हमारी इसी युवा शक्ति के बदौलत। आज हर क्षेत्र में हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं, उन सब के लिए आपकी शक्ति, आपकी उम्मीद और आपका दृढ़ निश्चय होना, ये बहुत कुछ साबित करता है कि हम भारत को कहां ले जाएंगे। यहां आने के बाद वाकई में लग रहा है कि जो बच्चे, जो युवा संसद है, वो क्या सोचते हैं हमारे देश के लिए, देश के बारे में क्या कुछ करने की तमन्ना रखते हैं और देश को कहां ले जाना चाहते हैं। अब जब हम किसी चीज के लिए सोचते नहीं है तो उसको प्राप्त नहीं कर सकते, ये भी तय मान लीजिए। अगर हमारी सोच नहीं होगी तो हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप लोगों को जो मंच मिला और आप लोगों को जो अभिव्यक्त यहां पर आपने अपनी रखी, निसंदेह ये दर्शाता है कि मन में क्या कुछ करने की तमन्ना है, और जिन हाथों में देश है वो क्या कुछ कर रहे हैं। हमेशा पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। जिस व्यक्ति की पॉजिटिव सोच होगी, निसंदेह उसको प्रगति करनी है, और प्रगति तभी है जब निरंतर होती रहे। कहीं भी आपने देखा होगा कि प्रगति अगर आप आज पढ़ लीजिए और कल ना पढ़िए तो आपके लिए वो पढ़ाई बेकार मानी जाती है।
आप नियमित पढ़िए, तभी आपको आगे चलकर सफलता हासिल होगी। तो ऐसे ही हम लोग अगर दृढ़ निश्चय कर लिए हैं कि हम देश को आगे ले जाएंगे, फिर से विश्वगुरु हमारा भारत कहलाएगा, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सब कुछ आप पर निर्भर है। और युवा शक्ति अगर ठान ले तो इस देश को हम वाकई में वहां ले जा सकते हैं जहां हम आज सोच रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है। बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे कि जो उपहार हम विदेशों से मंगाते थे आज हमारे देश में बनने शुरू हो गए हैं। आज तमाम ऐसी फैक्ट्रियां काम कर रही हैं जहां हम अपने देश में उत्पादन कर और अपने देश का मुनाफा अपने देश में ही कर रहे हैं। तो ये सब कुछ संभव हुआ है आपकी बदौलत। यदि आप में हुनर है, आप में लगनशीलता है, तो निसंदेह उस मुकाम को हम हासिल कर सकते हैं। विकसित भारत और एकता एवं एकजुटता विषय पर संवाद में सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज के अलावा आरएमपी डिग्री कॉलेज, श्री कृष्णा कॉलेज और स्वर्गीय दयाशंकर पटेल महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कुल 150 विद्यार्थियों में से 30 विद्यार्थियों ने चयनित विषय पर अपने विचार रखे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज की BCA तृतीय वर्ष की रूपसी श्रीवास्तव प्रथम रही, श्री कृष्णा कॉलेज की अलकनाथ श्रीवास्तव ने दूसरा स्थान एवं सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज के प्रखर सहाय श्रीवास्तव ने तीसरा स्थान हासिल किया। निर्णायक की भूमिका में NSS क्षेत्रीय निदेशालय लखनऊ से युवा अधिकारी राजेश तिवारी, RMP कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित सिंह, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर रहे। विजय प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह व योग्यता प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय के NSS समन्वयक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार ने युवाओं से नवाचार के माध्यम से विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया। NSS समन्वयक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार आई इंडिया से क्या बोले, आइए उसे सुन लेते हैं। मैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, NSS कोऑर्डिनेटर लखनऊ विश्वविद्यालय। आज मैं यहाँ सेक्रेड हार्ट कॉलेज में युवा संवाद एट द रेट ऑफ 2047 कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हुआ हूँ। ये कार्यक्रम मुख्यतः माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित था, जिसको प्रदेश और देश के विभिन्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आयोजित किया जाना था। उसी की श्रृंखला में ये कार्यक्रम लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले NSS की यूनिट जो कि सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में है, उनके द्वारा आयोजित कराया गया। इसमें प्रधानमंत्री जी ने जो 5 प्रण दिए हुए थे उसके आधार पर बच्चों को विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं जैसे कि भाषण, लेखन, ऐसे प्रतियोगिताओं में शामिल होना था। और तो बच्चों ने यहाँ पे जो है इन प्रतियोगिताओं में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और फाइनली उनके प्रदर्शन के आधार पर उसमें से विजेता प्रतिभागियों को चुना गया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संभ्रांत लोगों के द्वारा और कॉलेज के प्रशासन और प्रिंसिपल के द्वारा जो है बच्चों को जो पुरस्कृत किया गया। प्रबंधक डॉक्टर फादर जॉनी अंटोनी ने कहा कि युवा ही विकसित राष्ट्र की आधारशिला है। हमारा आभार प्रकट करना चाहता हूँ हमारे सांसद जी नागेश वर्मा जी के, जो हमारे कॉलेज को सपोर्ट करने के लिए वायदा दिया है। और इस तरह जो भी कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, प्रतियोगिता है, बच्चों को अपने कम्युनिकेशन स्किल और उनका प्रतियोगिता में उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत मदद कर रहे हैं। हम NSS के सारे कोऑर्डिनेटर्स और जो भी हम आए हुए इन सबों को धन्यवाद करना चाहता हूँ और ये प्रतीक्षा करता हूँ, कामना करता हूँ आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे, बच्चों का प्रतियोगिता बिठाए, बच्चों का जो क्षमता है वो आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम मदद करे, ये हमारा कामना है और सबों को शुभकामनाएं अदा करता हूँ। हाँ, हमारे ये वादा दिया है कि हमारे एक स्मार्ट क्लास हमको देंगे और एक क्लासरूम पूरे स्मार्ट क्लास के साथ इक्विप करेंगे, ये वादा उन्होंने किया है। मैं उनको भी हमारा आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उपप्राचार्य डॉक्टर साजीमन फिलिप ने कहा कि विकसित राष्ट्र हेतु युवाओं को अपनी बात कहने का यह मंच उत्कृष्ट रहा।
कार्यक्रम में नोडल अधिकारी डॉक्टर शशिकला मिश्रा, संदीप कुमार, मोहित पंकज, ईशान, रीमा गयास, दीपक शुक्ला, डॉक्टर मनोज धमेजा, डॉक्टर कुश कुमार, प्रखर सहाय श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। NSS की नोडल अधिकारी डॉक्टर शशिकला मिश्रा ने आई इंडिया को बताया, आज हमारे महाविद्यालय में युवा संवाद इंडिया @2047 का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसके अंतर्गत दो टॉपिक्स जो है पंच प्रण के दो जो मूल तत्व हैं, जिनमें कि एक है विकसित भारत, दूसरा एकता एवं एकजुटता। इन विषयों पर हमारे जो छात्र छात्राएं हैं विभिन्न महाविद्यालयों के, वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। और इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि रहे माननीय सांसद राजेश वर्मा जी, और उनका स्वागत किया हमारे यहाँ के फादर जॉनी ने, और हमारे यहाँ फादर प्रिंसिपल फादर सज्जीमोन फिलिप, वाइस प्रिंसिपल इत्यादि ने उनका स्वागत किया। एवं माननीय सांसद महोदय ने ये वादा किया कि वो हमारे महाविद्यालय को एक स्मार्ट क्लास देंगे एवं हमारे छात्र छात्राओं को दिल्ली पार्लियामेंट की विजिट कराएंगे और उन्हें इन तथ्यों से रूबरू कराएंगे। आज का दिन हमारे छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही अलौकिक रहा। उन्होंने इतने हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय जो कि पंकज सिंह गौड़ थे, उनके साथ भी उनका संवाद हुआ, तो ये छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही अद्भुत दिन रहा कि उन्हें इतने अधिक महापुरुषों से मिलने का मौका मिला, और उनके साथ उनके व्यक्तित्व में भी, छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व में भी विकास होगा। इस शुभकामनाओं के साथ हम इस कार्यक्रम को संपादित कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर शशिकला मिश्रा, जिला नोडल एवं कार्यक्रम अधिकारी, सेक्रेटार डिग्री कॉलेज NSS। बड़ा व्यापक विषय है विकसित भारत, और उसके साथ फिर एक दूसरा जो विषय है युवा संवाद का, वो है एकता और एकजुटता। अभी मैं प्रखर जी से निवेदन करना चाह रहा था कि सभी प्रतिभागी अपनी बात कह ले तो मैं इस पर अपनी बात कहता, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा कि आपको आना है तो मैंने उनका निवेदन स्वीकार किया। और कुछ बातें मेरे मन में चल रही, सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि आपको देख के लगता है कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में, और जितने भी प्रतिभागी हैं सब फर्स्ट क्लास पास हुए हैं, मतलब मेरे मार्किंग में अभी तक जितने भी प्रतिभागी इस मंच पर आए उन्होंने बहुत शानदार बात कही और बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखा। आपके अंदर एक सपना, एक जुनून दिखता है भारत को आगे ले जाने का। आपके जब भी आप कोई चीज तैयारी करते हैं तो जरूर वो पीछे दो चार दिन का परिश्रम होता है, और परिश्रम में तमाम सारे मैटर आपकी आंखों के सामने से गुजरते हैं। उसमें जब आप कुछ चीजें चूज करते हैं, कुछ निकालते हैं, तो वो आपके विजन और दृष्टिकोण को दिखाता है। तो ये देख के, देखिए मंच का भय मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। पहली बार जब BA फर्स्ट ईयर में मैं था तो मंच पे जब मुझे बुलाया गया, फ्रेशर वेशर पार्टी का था कुछ, तो उसमें लकीली मिस्टर फ्रेशर के रूप में चुना गया, तो मैं कुछ बोल नहीं पाया था, जय हिंद जय भारत करके चला गया था। और आपको देख के लगता है कि नहीं, अब आप हमसे आगे की पीढ़ी है और वो सिद्ध कर रहे हैं अपनी आप योग्यता और अपनी भाषा शैली से, तो निश्चित आप बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत संक्षेप में, अभी आप इतना देर से सुन रहे हैं तो लग रहा होगा कि कितनी देर ये पकाए गया, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, बहुत संक्षेप में अपनी बातें कहना चाहूंगा, क्योंकि विकसित भारत है मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं जब अपनी क्लास में जाता हूं तो शुरू करता हूं कि किसी देश का उद्देश्य क्या होता है। आखिर हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य है, देश का अपना लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, तो मैं उनको तीन शब्दों में कहता हूँ, सुरक्षा, विकास और न्याय। हर देश अपनी सुरक्षा चाहता है, विकास चाहता है और न्याय चाहता है। सुरक्षा का मतलब होता है भय से मुक्ति। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का भय नहीं है, ना रोजगार का भय है, ना किसी दंगे का भय है, ना किसी अव्यवस्था का भय है, तो आप सुरक्षित हैं। और इस सुरक्षा के बहुत सारे आयाम हैं, उसमें खाद्य सुरक्षा, शिक्षा की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, लैंगिक सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, संस्कृति की सुरक्षा, बहुत सारे आयाम हैं। तो सुरक्षा की बात ही हुई, सवाल है विकास क्या है। विकास को मैं मानता हूं विकास के दो स्तर है, एक सार्वजनिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर। व्यक्तिगत स्तर पर विकास निर्णय लेने की क्षमता है। अगर आप अपने निर्णय लेने में सक्षम हो तो आप विकसित हो। और सार्वजनिक स्तर पर विकास क्या है, सार्वजनिक स्तर पर विकास आपके पास अवसरों की उपलब्धता। अगर आपके पास अवसर हैं सार्वजनिक स्तर पर, तो वो समाज विकसित है।
अब सवाल ये है कि ये सब क्या बता रहे हैं, मतलब मैं समझ नहीं आ रहा है। लग रहा होगा कि निर्णय की क्षमता विकास है, अवसर की उपलब्धता विकास है, ये क्या है? तो मैं अपनी बात को एक सामान्य उदाहरण से कहना चाहता हूँ। आपको लगी भूख, ठीक है, और आपको भरना अपना पेट, आपकी आवश्यकता क्या है? पेट भरना। आपकी इच्छा ये है कि आप 5-स्टार होटल में जो है जाके अपना पेट भरिए, ठीक है। अब ये हो गई आपकी इच्छा, आपकी आवश्यकता क्या है कि आप पेट भरे, आपकी इच्छा क्या 5-स्टार होटल में खाएं, लेकिन आपके जेब में मात्र 50 रुपए और सामने दिख रहा है एक ठेला, उस पे अच्छा खाना मिल रहा है, 50 रुपए मिल जाएगा। तो आपने क्या किया कि उस ठेले में जाके खाना खा लिया, 50 रुपए में आपको वो खाना मिल गया। तो ये हुआ आपकी मांग। इकोनॉमी के जितने इकोनॉमी पढ़ने वाले कुछ हैं स्टूडेंट यहाँ पे, जिनको अर्थव्यवस्था जो पढ़ते होंगे, जो उसके विद्यार्थी वो जानते होंगे कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था मांग से चलती है, डिमांड। नहीं नहीं ठीक है, बैठे रहिए। तो आपकी आवश्यकता थी पेट भरना, आपकी इच्छा थी कि आप 5-स्टार होटल में खाएं, लेकिन आपने आपके जो क्षमता है वो 50 रुपए की थी, इसलिए आपका जो मांग था, आपने मांग जो क्रिएट किया वो क्या था कि आप एक ढाबे पे या होटल पे खाएंगे, ठीक है। तो आप जरा समझिए कि मैंने क्या कहा, निर्णय लेने की क्षमता, और निर्णय लेने की क्षमता आप किस पे डिपेंड किया, आपकी जेब पे। क्षमता यहाँ पे क्या है, क्षमता यहाँ पे आपकी परचेजिंग पावर है, ठीक है। और ये क्षमता का मैं सिर्फ एक पहलू बता रहा हूँ। कौन सा पहलू? आर्थिक पहलू। कौन सा पहलू है ये? आर्थिक पहलू। तो विकसित होने का मतलब आपकी क्षमता होना। कैसे क्षमता? निर्णय लेने की क्षमता। लेकिन निर्णय लेने की क्षमता कैसी? जब आपके पास विकल्प हो। विकल्प मतलब 5-स्टार 7-स्टार होटल, अच्छा रेस्टोरेंट जो है विकल्प। क्योंकि अगर किसी आप ऐसे समाज में पहुंच गए जहां केवल ढाबे ही हैं, तो आप लाख हजारों करोड़ों रुपया लाखों रुपया रखे लिए आप किसी 5-स्टार में होटल में खाना नहीं खा सकते। इसी तरीके से अगर इस बात को आप शिक्षा से देखिए, आपको पढ़ना ऑक्सफोर्ड जैसे इंस्टीट्यूट में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट में है, लेकिन आपके पास ले देंगे RMP डिग्री कॉलेज या मतलब इस तरीके की सीतापुर में सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज। हम इससे किसी भी कॉलेज की प्रतिष्ठा या उसके जो पौरुष है उसको मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जरूर जो है अगर टॉप 500 इंस्टीट्यूट में देखें तो जरूर हम नहीं है, आगे आएंगे निश्चित रूप से। जब तक विकसित भारत होगा हम भी अपना नाम करेंगे, लेकिन अगर हमें ऑक्सफोर्ड और JNU और DU जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ना है तो वो यहाँ तो है नहीं। तो लाख चाहते हुए भी कि हम अच्छे इंस्टीट्यूट में, हमारी क्षमता है पढ़ने की, लेकिन हम नहीं जा सकते क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट क्या है, सीमित है। और यानी ये इंस्टीट्यूट हमारे विकल्प का भाग नहीं बनते। तो देखिए मैंने क्या कहा, व्यक्तिगत विकास क्या है कि आपके पास निर्णय लेने की क्षमता हो, ठीक है। आप कहाँ नौकरी करेंगे, क्या नौकरी करेंगे, आपको IAS बनना है, ठीक है। आपने निर्णय ले लिया कि हमें IAS बनना है, ठीक है, और सीतापुर में SDM बन के आना है, सपोज दैट, क्या आप बन सकते हैं? तभी बन सकते हैं ना जब आपके पास नॉलेज हो। तो ये आपकी क्षमता को बढ़ाने वाला हो गया, या आपके पास ऐसे इंस्टीट्यूट हो, ऐसे तैयारी कराने वाले लोग हो कि जिसको आप इजिली एक्सेस कर पाओ। तो ये रही विकास की बात। विकास क्या है? व्यक्तिगत तौर पर विकास निर्णय लेने की क्षमता है, और सामाजिक तौर पर विकास आपके पास अवसरों या विकल्पों की उपलब्धता है, और उन विकल्पों तक पहुंचने की आपकी क्षमता अगर होगी तो आप विकसित होंगे। आप हुए भी आप राजनीतिक विकास आपका हुआ, लेकिन दूसरी जगह एक तरफ भगवान श्री राम हो जाए, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण हो जाए, दूसरा हनुमान जी हो जाए, तो विकल्प आपके पास बढ़ गया और अच्छे विकल्प बढ़ गए। अब आपकी चुनाव निर्णय करने की क्षमता का क्या हो गया, उसका एक महत्व हो गया, उसकी सार्थकता होगी। तो क्षमता और विकल्प, निर्णय लेने की क्षमता और विकल्पों की प्रचुरता ही वास्तवतः विकास को एक जो है आधार देते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है एकता और एकजुटता। एकता क्या है? बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, वो नोटेबल था, उसमें मार्किंग हुई, लेकिन सिंपल सी मैं बहुत आसान भाषा में कहूं तो आप जो अपने परिवार के लिए महसूस करते हैं, जो अपनेपन की भावना है, जो साझेपन की चेतना है, अगर वो चेतना, वो अपनेपन की भावना परिवार से बाहर आप महसूस करने लगे तो आप एक हो, समझ पाए। अगर वही एकता जो अपने भाई के लिए महसूस कर रहे हैं, वो भावना जो अपने भाई के लिए महसूस कर रहे हैं, वही आप अपने पड़ोसी के लिए महसूस करने लगे, वही भावना जो घर के किसी फर्श और साफ सफाई के लिए महसूस करते हैं, वही भावना आप
समाज के या घर के बाहर के लिए, सड़क के लिए महसूस करने लगे तो आप क्या हो गए, आपकी चेतना विस्तृत हो गई। तो संकीर्ण चेतना से विस्तीर्ण चेतना की ओर बढ़ना क्या हो गया, एकता। और ये एकता कब आती है, जब आपकी चेतना का जो आकाश है वो बहुत क्या हो, विस्तृत हो। ठीक है, तो एकता ये हुई। और एकजुटता क्या है, जब आप भावनात्मक तौर पर एक हो जाए, आपके लक्ष्य एक हो जाए, आपकी संवेदनाएं एक हो जाए, आप एक साथ एक लक्ष्य को पाने के लिए, जैसे 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य माना है, तो विकसित भारत का लक्ष्य केवल मेरे लिए नहीं, केवल आपके लिए नहीं, इस भारत के 140 करोड़ लोगों का जब लक्ष्य विकसित भारत हो जाए तो आप क्या हो गए, एकजुट हो गए। आप एक लक्ष्य के लिए क्या हो गए, केंद्रित हो गए। ये हो गई एकजुटता। तो बस मैं खत्म करता हूँ अपनी बात, आशा करता हूँ आपको बोर नहीं किया होगा। जय हिंद, जय भारत। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।